हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद सैम। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एलोवेरा जूस के बारे में। ये वैद्यनाथ का है। वैद्यनाथ काफी पुराना ब्रांड है, आप सब लोग जानते होंगे। और ये कम्प्लीटली डाइजेस्टिव टॉनिक है जो मार्केट में अवेलेबल है। और जैसे कि आप इसकी देख सकते हैं, इसकी फोटो में ही लगा हुआ है। ये कम्प्लीटली जो एलोवेरा होते हैं इसके अंदर का निकाल के उसे बनाया गया है, काफी नेचुरल है। तो आज मैं इसका रिव्यू करूंगी, आपको बताऊंगी इसके बारे में कैसे इसको लिया जाता है और कैसे ये यूजफुल हो सकता है। तो गाइस, जैसे कि आप इसमें बताया हुआ इन्होंने एलोवेरा जूस के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में कि ये कैसे आयुर्वेदा मेडिसिन की तरह यूज होता है। जैसे कि ये किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसको भी इसको लिया जाता है। डैंड्रफ के लिए भी अच्छा है। अगर किसी को लीवर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है उसके लिए भी यूज होता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, किसी को डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, ज्वाइंट पेन्स है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। और ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करने का काम करता है। इसमें काफी न्यूट्रिशंस हैं जो बॉडी को रिच करते हैं। इसमें विटामिन वगैरह भी काफी ज्यादा है, मात्रा में है। तो गाइस, इसमें एक चीज और बताया हुआ है क्लियरली जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये टोटली पैराबिन फ्री है, सेफ है फॉर डायबिटिक, नो शुगर एडिड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पैराबिन फ्री है, क्योंकि हम लोग अक्सर ये कोशिश करते देखने की जो हम लोग चीज ले रहे हैं उसे पैराबिन ना हो। और ये डायबिटीज वाले भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल भी शुगर को ऐड नहीं किया गया। ये ट्रूथ है, क्योंकि मैंने भी इसको टेस्ट किया, मैंने भी स्टार्ट किया है पीना, तो मुझे बिल्कुल भी शुगर का फील नहीं आया। इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं डाला हुआ है। अब गाइज बात कर लेती हूँ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। तो गाइज, इसमें जो है सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम भी डाला गया है, जैसे कि इसमें बताया हुआ है इन लोगों ने। अब न्यूट्रिशन वैल्यू बता देती हूँ मैं आपको। इसमें कार्बोहाइड्रेट है 4.95 ग्राम है, एनर्जी लेवल जो है 36.8 है, टोटल फैट और सैचुरेटेड ट्रांस फैट वो जीरो है। और प्रोटीन भी है इसमें, विटामिन सी और कैल्शियम काफी मात्रा में है। विटामिन सी इसमें 60 mg है और कैल्शियम भी काफी है, 24.48 mg दे रखा है। और गाइस, ये जो है इस तरह की पैकेजिंग में आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पैकेजिंग इसकी, ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। और इसका जो प्राइस है गाइस वो है, इसका जो प्राइस है गाइस ये मुझे मिला है 250 रुपीज का। तो अगर आप इसको ऑनलाइन, तो मैंने तो एक मेडिकल शॉप से खरीदा है तो मुझे इस प्राइस का मिला, पर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको और सस्ता भी मिल सकता है। इसमें काफी डिस्काउंट्स मिल जाते हैं इस तरह की चीजों पर मैंने मेडिकल शॉप से खरीदा तो मुझे ये 250 नेट रेट पे मिले, कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। और गाइज, ये आप किसी मेडिकल शॉप पे इजली मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके यूसेज की, कि ऐसे इसको लेना है। और हाँ, एक चीज और, इसकी शेल्फ लाइफ जो है 2 ईयर्स की है, तो ये इजिली 2 ईयर्स तक आपका चल जाएगा। और एक चीज और बोलना चाहूंगी गाइस, ने बताया हुआ है जब आप इसको ओपन करते हैं, ये इसकी कैप है, ओपन करने के बाद 1 मंथ के अंदर आपको इसको फिनिश करना होता है। ऐसा नहीं कि आप रख दो इसको और आप 4-5 महीने तक इसका यूज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है, तो इसको आप कोशिश कीजिए एक बार ओपन होने के बाद 1 मंथ के अंदर ही इसको फिनिश करना है। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस, कैसे आपको यूज करना है। तो गाइज, इसको इसमें लिखा हुआ है कि 30-50 ml जो जूस है वो मिक्स करना है 1 ग्लास ऑफ वाटर के साथ। तो 30-50 ml लेना है ये 1 गिलास पानी के साथ, उसमें मिक्स करके अच्छे से। और अगर आप कोशिश कीजिएगा कि एम्प्टी स्टमक, तो इसमें लिखा हुआ है कि एम्प्टी स्टमक ही लेना है इन द मॉर्निंग, तो ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे आप। और जब भी आप इसको यूज करते हैं तो बॉटल को अच्छे से शेक जरूर कर ले बिफोर यूज, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में नीचे इकट्ठा होता है। आप देख सकते हैं ये जो नीचे इकट्ठा हो जाता है, काफी हैवी हो जाता है, तो आप एक बार उसको अच्छे से हिला लेंगे तो प्रॉपर मिक्स हो जाएगा उसमें, अदरवाइज नीचे बैठ जाता है। और आप गाइस, अगर आपको टेस्ट इसका अच्छा ना लगे तो आप इसमें हनी भी यूज कर सकते हैं या शुगर भी, एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिखा हुआ कंज्यूम विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग द बॉटल। तो गाइज, ये था इसका रिव्यू। मैं बता चुकी हूँ डायबिटिक वाले लोग भी ले सकते हैं इसको। और एलोवेरा अच्छा होता है जूस स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, डाइजेशन के लिए। तो इस तरह के जूस मार्केट में अवेलेबल है गाइज। अगर आपके आपका घर में आप लगा सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो ये एलोवेरा होता है इसको आप घर में भी कट करके इसके अंदर का गुद्दा निकाल के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है बॉडी के लिए। तो ये वैद्यनाथ का था, मैंने इसका आपको पूरा रिव्यू दे दिया है गाइस। और अगर चैनल पे नए हैं और वीडियो जरा से भी यूजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊं और आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच गाइस। ओके, बाय बाय।